ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गणतंत्र दिवस की इस पावन अवसर पर उपस्थित आदरणीय अतिथि, सभी शिक्षकों, सारे विद्यार्थियों और एवं उपस्थित ग्रामवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने भारत देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। हमारे भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता जैसी समस्याएं हैं। तो आइए आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और अपने भारत देश को सर्वश्रेष्ठ देश बनाएंगे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। खुश हो सर।